नमस्कार दोस्तों, मैंने तीनों स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निक दिन पर। दोस्तों रिसेंटली मैंने सैमसंग का एक डबल डोर का फ्रिज खरीदा था, तो उसे मैंने ईएमआई पे खरीदा था मेरे क्रेडिट कार्ड से, जो कि मेरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, यदि आप ईएमआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको किस तरह से उसका जो है रिपेमेंट करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें होती है, कितने दिन बाद जो है आपका ईएमआई ट्रांजेक्शन जनरेट होता है आपके बिल में, या फिर कब दिखाई देता है, सारी चीज़ें आज मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप भी सोच रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पे किसी चीज़ को खरीदना, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। नएंगे चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों इसके लिए मुझे अपने स्क्रीन पर लेके जाना पड़ेगा और वहाँ पर मैं आपकी सारी चीज़ें बाकी की समझाता हूँ। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक स्क्रीन शॉट ले लिया है, जो कि मेरे क्रेडिट कार्ड का जो ट्रांजेक्शन सेक्शन है उसका है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, मुझे SGST, CGST और जो EMI कन्वर्जन फ़ी लगती है या फिर प्रोसेसिंग फ़ी बोलती है, वो कितनी लगी वो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए, जो यहाँ पे SGST है जो मुझे लगा है, वो लगा है 20 रुपये 42 पैसे, और उसी तरह CGST भी 20 रुपये 42 पैसे मुझे लगा है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, EMI प्रोसेसिंग फ़ी भी लगी है, जो कि 226.90। तो ऐसे कुल मिला के आप जोड़ लीजिए 226.90 प्लस 20 रुपये 42 प्लस 20 रुपये 42, तो इतना आपको जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा, और अलग अलग हो सकता है बैंक टू बैंक। सो यदि आप फर्स्ट बार क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं विदाउट इनकम प्रूफ, विदाउट आपका सिबिल स्कोर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने वहाँ पे कंप्लीट प्लेलिस्ट दे रखी है। वहाँ पे सीरीज़ ऑफ वीडियो बनाई है IDFC फर्स्ट बैंक की वाओ क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, तो उन्हें आप देख सकते हो, और अप्लाई लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद दोस्तों देखिए, मैंने 9 दिसंबर को जो है यहाँ पे फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड को पे किया था 22,690, जो कि रेफ्रिजरेटर मैंने खरीदा था, उसकी दो वीडियोस मैंने बनाई हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो देखिए 9 दिसंबर को मैंने खरीदा, लेकिन EMI कन्वर्ट कब हुआ, 10 या 11 तारीख को, मीन्स 2 से 3 दिन ये लेता है। वैसे तो 7 दिन बोला जाता है, लेकिन 2 से 3 दिन में आपका जो है ये आपके जो नेट बैंकिंग में आप चेक करोगे तो रिफ्लेक्ट करेगा। सो दोस्तों आप घबराइएगा मत, जब आप EMI ट्रांजेक्शन करते हो और आपका EMI नहीं दिखता है, तो आपको वेट करना है 2 से 3 दिन, उसके बाद ही आपको सही पता चलेगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में आपको सिर्फ जितना अमाउंट आपने पे किया है उतना ही दिखाई देगा। अब दोस्तों हम रीपेमेंट शेड्यूल की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो तरीके के EMI होते हैं, वहाँ पे नो कॉस्ट EMI और आपका जो जनरल EMI होता है वो। तो जनरल करते हो तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और नो कॉस्ट EMI जनरली आपको 3 महीने और 6 महीने वाले जो है प्लान होते हैं उसमें मिल जाता है, तो उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, वो आपको जितने का प्रोडक्ट है उतने में ही पड़ जाता है। और ये जो है नॉर्मल EMI है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। तो देखिए, ये इंटरेस्ट का एक चार्ट यहाँ पे बना हुआ है, हर मंथ कितना जा रहा है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और मुझे जो है EMI हर मंथ पे करनी है, वो है 2037.27 रुपये। तो देखिए, मैंने अभी 12वें महीने में जो है यहाँ पे 2023 के ट्रांजेक्शन किया, लेकिन मुझे EMI की जो डेट है, जो फर्स्ट EMI मुझे पे करना है, वो है 10 तारीख को, यानी अगले महीने के 10 तारीख को। तो आपको इस महीने में सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ी पे करनी पड़ेगी, आउटस्टैंडिंग रहेगी, उसके बाद अगले महीने में आपको जो है यहाँ पे आपका EMI स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर हर महीने मुझे जो है ये अमाउंट यहाँ पे करना पड़ेगा हर 10 तारीख को, ठीक है, यहाँ पे ये जनरेट हो जाएगा फिर। और इसका पेमेंट जो है नॉर्मल जो आपका बिलिंग साइकिल होता है क्रेडिट कार्ड का, उसी तरह यहाँ पे करना है। और ये जो लिमिट होती है ना, ये लिमिट जैसे आप पे करोगे, हालांकि आपको EMI अगले महीने से पे करना है, बट ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप फिर बिल पे करोगे, वैसे वैसे आपकी लिमिट जो है यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी। सो दोस्तों, लास्ट इंस्टॉलमेंट मुझे अगले साल के लास्ट मंथ में भरनी है, तो तब मेरा जो अमाउंट है पूरा यहाँ पे नील हो जाएगा और मेरी पूरी लिमिट मेरे कार्ड में यहाँ पे हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।